अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आयान असद और आप देखिए ब्लेंस बाय आयान असद। जी तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ पीएसएल 6 जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजर में है, मतलब पीएसएल इन खतरा, मतलब खतरे में ऐसे है वो पीएसएल, क्योंकि वो वहाँ पे जो है पीएसएल पहली बार जो शुरू हुआ था वो पीएसएल इतनी उनकी पुअर, जो इतनी गंदी उन्होंने जो की थी अरेंजमेंट, तो उसकी वजह से सारे प्लेयर भी चले गए, कोविड वायरस फिर फैल गया है और उसके लिए तो उसके बाद से फिर अब शकीब अल हसन, मार्टिन गुप्ता, बड़े बड़े प्लेयर्स उन्होंने लेकर आए हैं और बड़े बड़े प्लेयर्स चले भी गए हैं, राशिद खान टाइप लोग जो हैं वो चले गए हैं। तो अब बीपीएल मतलब बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो है वो शुरू हो रहा है, उसमें लिए मसला ये है कि शकीब अल हसन वैसे ही बांग्लादेश के बहुत आधे तो पहले गए हुए थे, आधे जो नए अभी हमारे पास आए शकीब अल हसन ऐसे जो बांग्लादेश के सारे प्लेयर थे वो मैंने आपको नई वीडियो लेकर आई थी उसमें मैंने आपको सारे बताए थे, तो वो सारे भी जा रहे हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा मसला पीएसएल के लिए बन रहा है और इंग्लैंड और यूएई ने भी सारी फ्लाइट जो है बंद कर दी हैं और वो लोग भी ये कह रहे हैं कि पीएसएल यहाँ पे पाकिस्तान यहाँ पे नहीं आएगा और फ्रेंचाइजेस भी यही कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान में करना। तो अब ये मसला आ गया कि इंग्लैंड में बीच में यही कह रहा है कि आपने यूएई में जो है ना पीएसएल नहीं कराना, वरना तो हम वहाँ पे नहीं आएंगे आपके पाकिस्तान में। और राशिद लतीफ ऐसे हालात में नहीं बात कर ली है, क्योंकि अगर वो कह रहे थे अगर ये पीएसएल पाकिस्तान में नहीं होगा तो पीएसएल जो है वो फिर कभी भी, मतलब पीएसएल का ये आखिरी सीजन होगा वो ये कह रहे हैं। तो अब देखते हैं, आप भी अपने कमेंट में बताएं कि आपका क्या इजहार है इस चीज़ पे के, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ लाइक के बटन को भी दबाइए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।